कॉज है एंटी स्मोकिंग कॉज, इट्स फॉर द अगेंस्ट कैंसर. और मैं बहुत खुश हूँ कि इन लोगों ने मुझे यहाँ पे आके ये सपोर्ट को कॉज करने के काबिल समझा. आई माई सेल्फ डू नॉट स्मोक एंड आई थिंक हमारे सारे यंगस्टर्स को ये मैसेज पहुँचना चाहिए, क्योंकि हमारा जो यूथ है आजकल, इट्स यू नो दे स्मोक ओनली फॉर द सेक ऑफ फैशन. वो समझते हैं कि हमारे फ्रेंड स्मोक कर रहे हैं तो इट्स जस्ट वेरी कूल टू यू नो गिव इन एंड स्मोक. एंड किसी किसी की ये थिंकिंग होती है कि स्मोकिंग कैन मेक देम लूज वेट, विच इज ऑल ऑफ देम इज सो अनट्रू. द ओनली ट्रूथ अबाउट स्मोकिंग इज दैट इट गेट्स यू क्लोजर टू दैट. से हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है. ये मेरा पहला साल है कि मुझे बुलाया गया है सपोर्ट करने के लिए, सो आई एम वेरी हैप्पी. आई थिंक सिगरेट पीना बहुत बुरी बात है, हम सबको पता है, बट ऐसे इवेंट्स होने से थोड़ा सा इसका एहसास हो जाता है, हम उनके दिमाग में डाल देते हैं. बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता है कि सिगरेट पीना या ज़्यादा शराब पीना या जो भी करना इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. सो या आई एम जस्ट वेरी हैप्पी आई एम अ पार्ट ऑफ. मैं CPA के साथ एसोसिएटेड रही हूँ, कम से कम मुझे 4 साल हो गए हैं और उनके ऑलमोस्ट हर इवेंट में आपने मुझे देखा होगा. और 2010 में शंकर एहसान रॉय ने सबसे पहला कॉन्सर्ट किया था, उसमें भी मैं थी. हर संत कहे साधु कहे सच और साहस है जिसके मन में अंत में जीत उसी की. I am playing a princess in the Tamil movie that I'm doing opposite Vikram. It's again a period drama and I'm playing a princess and really excited about the movie since I am doing it with Vikram and he's a really good star. मैं काफ़ी सालों से CPA से जुड़ी हुई हूँ. आई हैव बीन वर्किंग विद कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन बट डूइंग वेरी लिटिल कम्पेयर टू व्हाट दे डू वंडरफुल वंडरफुल वर्क इन द प्रिवेंशन क्योर रेजिंग अवेयरनेस ऑफ कैंसर. मैं तो हर साल दौड़ती हूँ मैराथन में कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन के लिए, बट आज का दिन बहुत बहुत स्पेशल है, एंटी टबैको डे, क्योंकि मैं तो अभी माँ हूँ, दो बच्चे की माँ, 3 साल जैन और 1 साल गाय, और मेरा अपना टीवी शो है द तारा शर्मा शो, डायरीज ऑफ अ न्यू मॉम, बच्चों के बारे में. और मैं बहुत बहुत कोशिश करती हूँ कि हमारे बच्चे के जनरेशन दे शुड नेवर नेवर स्मोक. मेरे पिताजी 6 महीने पहले गुजर गए और ये तो आई मीन इट्स एब्सोल्युटली डेविस्टेटिंग फॉर मी, बट आई रियलाइज दैट यू नो ही पास्ड अवे बिकॉज ही स्मोक्ड. आई एम टॉकिंग अबाउट मोर द नेक्स्ट जेनरेशन, आर किड्स, दे शुड रियली नॉट स्मोक. एंड आई टेल यू समथिंग, आई एम एक्चुअली क्वाइट हैप्पी टू सी दैट स्मोकिंग आई थिंक हैज रिड्यूस्ड. पिछले 1.5 सालों से मुझे ये खासकर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर से ये फैमिली वेलफेयर से ये जिम्मेदारी मिली है कि मैं एंटी टबैको की कैंपेन करूं, बातें करूं, जहां भी जाऊं, जहां भी पहुंचूं, और आज तो दिन ही है. बिल्कुल दोस्तों, हमने गाना बनाया है जिसे कहते हैं कि लाइफ से पंगा मत ले यार. It's a fun song and that's what the song is. थोड़ा सा वही सुना था आपको. पंगा मत ले यार, अरे लाइफ से पंगा मत ले यार.